नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ मटर और आलू की एक मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में मटर का सीज़न होता है, मटर तभी मिलते हैं। तो चलिए फटाफट मटर की घुघनी बनाना शुरू करते हैं। हमें चाहिए 250 ग्राम ग्रीन पी यानी छिम्मी वाले मटर, और मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के आलू को छोटे टुकड़ों में पतला कट कर लिया है। दो लहसुन की कली इसे हमने छोटा काट लिया है। एक हरी मिर्च इसे भी हमने काट लिया है। मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, जैसा तीखा आपको पसंद है। और हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, दो छोटा चम्मच। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम पैन को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे दो छोटा चम्मच सरसों का तेल। तेल को हम मध्यम आंच पे गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन और साथ ही में डालेंगे हरी मिर्च। इसे हम आधे मिनट तक मध्यम आंच में पकाएंगे ताकि जो मिर्च और लहसुन का जो रंग है वो थोड़ा सा बदल जाए। आधा मिनट हो गया है, अब इसमें डालेंगे आलू, फिर इसमें डालेंगे मटर। अगर आपको आलू नहीं पसंद है तो आप आलू को स्किप कर सकते हैं और सिर्फ मटर की घुघरी बना सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसे ढक देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे 4-5 मिनट तक पकाएंगे। नमक हम अभी नहीं डालेंगे, इसे हम ढक देंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि जो आलू है वो जले नहीं। इसे हम वापस ढक देंगे। 4-5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा देंगे और उसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक को हम अच्छे से आलू और मटर में मिला लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम धीमा कर देंगे और इसे धीमी आंच में ढककर पकाएंगे जब तक कि जो आलू है वो अच्छे से पक नहीं जाते। इसे हम ढक देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि आलू हुए हैं कि नहीं। धीमी आंच में पकाने से मटर और आलू बहुत ही बढ़िया से पकेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। लगभग 5 मिनट हो चुका है। अगर ये हल्का सा नीचे से पकड़ रहा होगा तो आप इस पर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, एक छोटा चम्मच, और इसे अच्छे से मिला दीजिए। आलू को हम चेक कर लेंगे एक बार। अभी 80% आलू हो गया है, 20% और पकाना है, बस ये होने ही वाला है। इसे हम वापस ढक देंगे और आलू को हम पकने देंगे। बहुत ही टेस्टी नाश्ता है ये, इसे आप चाय के साथ खाइए सर्दियों में। के बाद हम इसे वापस चेक करेंगे। आलू को हम दबा के चेक कर लेंगे एक बार। जी हाँ, आलू हो गए हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्विंग बाउल में निकाल के सर्व करेंगे। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए चाय के साथ। बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। सर्दियों के मौसम में मटर का सीज़न होता है और इस टाइम में ये खाइए। और भी नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग।